दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको इंडिजाइन के बारे में बता रहा था, उसी में आपको बताने जा रहा हूं इंडिजाइन एक फीचर होता है बेसिक फेडर। जैसा आप देख रहे हैं, यहां नाम से पता है बेसिक फेदर है। इसके थ्रू क्या आप काफ़ी अच्छा क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हो। आप ये किसी शेप में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी इमेज में भी अप्लाई कर सकते हो, और क्या किसी टेक्स्ट एडिटेबल टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका क्या है बहुत कम मेहनत के साथ आपका काफ़ी अच्छा लुक अट्रैक्टिव डिजाइन आप बना सकते हो। चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ इंडिजाइन बेसिक फेदर के थ्रू कुछ अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ नॉर्मल क्या है, क्या किया मैंने, एक नॉर्मल फाइल ले ली, ठीक है, न्यू फाइल ले ली। और यहाँ मैं पहले आपको इमेज इंसर्ट कर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ हमने एक इमेज ले ली है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ हमने एक इमेज ले ली। आप ये देख रहे हैं इमेज आपके सामने है, इसकी क्वालिटी में हाई क्वालिटी बाय डिफॉल्ट जो होता है अच्छी क्वालिटी वो कर दिया मैंने। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ ये जो चारों तरफ कॉर्नर है ये क्या ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब फैदर आ जाओ, पीछे के बैकग्राउंड से ये मर्ज हो जाए। तो पीछे उसके लिए करने के लिए क्या है, मैं पीछे सबसे पहले देखिए मैं कुछ बैकग्राउंड डाल देता हूँ जिससे आपको ये पता चले। यहाँ मैंने पीछे की तरफ क्या किया, कोई भी कलर ले लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैंने क्या किया, एलो डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ पीछे। अब चलिए मैं इस इमेज पे अप्लाई करता हूँ, फिर देखिए आपका इसका कमाल कितनी अच्छी लगती है देखने में। अब मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें मैं आप डालता हूँ बेसिक फैदर। देखिए बेसिक फैदर डालने से क्या होगा, पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाएगा इसका जो एज है चारों तरफ। तो उसके लिए इमेज पर क्लिक किया, एफएक्स में गए और हम कहाँ जाते हैं, बेसिक फैदर में। जैसे ही बेसिक फैदर में जाएंगे आप देखिए इसका कॉर्नर ये आपका चारों तरफ से क्या है ट्रांसपेरेंट होना चालू हो गया है और आपका क्या है बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है, जिस भी बैकग्राउंड पर रखेंगे उसके साथ मर्ज होगा। अब इसकी कुछ सेटिंग होती है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले होती है फेदर विड्थ, मतलब फेदर की चौड़ाई जो होती है अंदर की तरफ कितनी आएगी। तो आप यहाँ देखिए एमएम में दे रखा है, तो आप इसको जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे आप देखिए अंदर की तरफ ये क्या आपकी मर्ज होती जाएगी, मिलती जाएगी बैकग्राउंड के साथ। आप इसको जितना बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा लीजिए, या तो आप टाइप कर ले, सपोज मैंने लिख दिया 20 mm। देखिए क्या पूरी पूरी आपकी क्या है अंदर की तरफ पूरी मिल गई। आप देखिए मैं इसको ओके कर दिखाता हूँ, ओके किया और बाहर देखिए पूरी पूरी क्या अंदर तक मिल गई। इसको और ज़्यादा बढ़ाना है तो एफएक्स में गए, बेसिक फेदर में गए, आपको जितना बढ़ाना है, सपोज मैंने किया इसको 40 mm, तो आप देखिए क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा इसके साथ मिल गई। अब ये तो चलो हो गई, अब इसको कम ज़्यादा जो करना आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको बेसिक फेदर को। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग, इसकी चोक। अब ये जो चोक है आप इसकी चोक जो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से जितनी ज़्यादा चोक बढ़ाएंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या अंदर की तरफ ये जाती रहेगी। ये देखिए 100 करेंगे इतनी हो जाएगी और 0 पर रखेंगे इतनी होगी। आपको जितना रखना है इसकी ट्रांसपेरेंसी कॉर्स देखिए, जितनी बढ़ाएंगे ये अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंसी जाएगी और 0 रखेंगे तो एच पे आएगी। तो आपको जितना रखना है यहाँ से एडजस्ट कर चोक को। अब इसका कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर चारों हैं उसमें आपके 3 ऑप्शन होते हैं, शार्प, शार्प मतलब जो अभी बाय डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट आपका राउंडेड, जो कॉर्नर इस तरह से जो फेदर होगा वो राउंडेड होगा इस तरह से चारों कॉर्नर। और नेक्स्ट डिफ्यूज, डिफ्यूज आपका इस तरह से होगा, आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नॉइज, नॉइज जैसे आपको बताया है कि उससे क्या होता है डॉट डॉट ग्रेन्स आते हैं, इसमें नॉइज जैसे ऐड करेंगे आपका देखिए इसमें क्या है ग्रेन्स आएंगे। आपको इसको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ करके। ये देखिए मैंने इसमें लिया इमेज को लिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ दोबारा जाता हूँ इसमें, अब आपको बेसिक फेदर में दिखाया। यहाँ मान लीजिए थोड़ा सा इसका फेदर मैंने कर दिया मान लो 20 mm का, ठीक है, 20 mm किया मर्ज हो गया। अब इसमें चलिए हम नॉइज करते हैं, जितने ज़्यादा नॉइज डालेंगे, ये देखिए आपको डॉटर दिख रहे हैं, आप ग्रेन्स दिख रहे हैं, जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने ग्रेन्स इसके अंदर बढ़ते जाएंगे। और मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ये देखिए क्या इसके अंदर आपका ये मर्ज हो गया। अब चाहते हैं हम नॉइज भी दें और इसकी थोड़ी सी हम क्या है यहाँ पे थोड़ी सी फेदर को हम बढ़ा भी दें, तो इसको मतलब जहाँ से भी बढ़ा सकते हैं आप जितना बढ़ाना है, देखिए जितना बढ़ाएंगे अंदर की तरफ ये आते रहेगा, देखिए आपके अंदर की तरफ ये आते जा रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ग्रेन्स के साथ भी यूज़ करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ग्रेन्स को हटा भी दें, आपकी मर्जी है। अगर ग्रेन्स को हटाना है तो नॉइज़ को आप यहाँ से 0 कर दें और ओके कर दें। इस तरह नॉर्मली क्या किसी इमेज के साथ इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये, अब मैं चले आपको बताता हूँ किसी शेप के साथ। हमने क्या किया यहाँ से एक मैं एलिप्स ले रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स लेने के बाद इसके अंदर मैंने कोई भी कलर फिल किया, आउटलाइन में नन कर देता हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल किया, चलो मैं इसके अंदर सियान फिल कर दिया। अब इसके अंदर सेम अप्लाई करना है हमें बेसिक फेदर इमेज के साथ, जैसे आपको बताया कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं कैसा भी इमेज हो आप, चले सेप के साथ। तब उसके लिए सेम एफएक्स में गए और यहाँ ने बेसिक फेदर लिया, जैसे ही लेंगे देखिए जैसे ही करें बाय डिफॉल्ट आपका कोने से क्या चारों तरफ से आपका देखिए फेदर ये ले लिया है। अब बाकी एडजस्टमेंट जो जैसे आपको बताया यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको मान लो जितना फेदर अंदर की तरफ चाहिए सबको चाहिए 10 mm, देखिए आपकी क्या 10 mm पूरे क्या फेदर हो गए इस तरह से। आपको नॉइज चाहिए तो आप नॉइज ले लें, देखिए इस तरह से नॉइज आपकी देखेगी। तो बाकी सेटिंग जो आप बताएं वो कर ले। आप चेक करना है तो पीछे क्या करें कोई भी एक बैकग्राउंड डाल लें आप, ठीक है। मैं पीछे का एक बैकग्राउंड डाल के आपको दिखाता हूँ।
इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर लेता। मान लो यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया येलो, इसको कर देता हूँ मैं पीछे। अब देखिए क्या ये आपको, जी ये ब्लू मैंने फैदर किया था पीछे के बैकग्राउंड के साथ, आपकी इजीली मर्ज हो गई। इस तरह से आप क्या किसी भी शेप को आप बेसिक फैदर दे सकते हैं। ये तो हो गया शेप के साथ, इमेज के साथ। अब चलिए आपको टेक्स्ट के साथ दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया राज, ठीक है, मैंने लिखा राज, और इसको मैं फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ, 180 कर दिया है। और इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, थिक कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चले। अब देखिए इसमें क्या है, मुझे आप टेक्स्ट को एडिटेबल भी रखना है और बेसिक फैदर भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैं एक सा कलर चेंज कर देता हूँ जो अच्छा लगे देखने में। सब इसका मैंने मैजेंटा कर दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे डालना है बेसिक फैदर, तो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज और बड़ी कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर दिखे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एफएक्स में जाते हैं, बेसिक फैदर में जाते हैं। जैसे ही जाएंगे तो बाई डिफॉल्ट जो होता है एज, देखिए हर टेक्स्ट का एज बेसिक फैदर ले लिया है यहाँ पे, देखिए कॉर्नर। और आपको विड्थ बढ़ानी है फैदर की, तो आप यहाँ से बढ़ा लीजिए। जितना बढ़ाएंगे आपका फैदर देखिए अंदर की तरफ आते जाएगा, ये जितना बढ़ाएंगे। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कितना अच्छा लगता है। चलिए इसको मैं अभी रख ले रहा हूँ यहाँ पर 5 mm। अब यहाँ पे आपको अगर नॉइज चाहिए तो आप नॉइज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप जैसे ऐड करेंगे आपके यहाँ यहाँ पर ग्रेन्स आते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब जो कॉर्नर है इसके, अब कॉर्नर को आपको जो रखना है, शार्प रखना है तो शार्प रख सकते हैं। शार्प में देखिए शार्प आएगा, राउंडेड राउंडेड, ये देखिए घुमा हुआ आ रहा राउंडेड यहाँ पे आएगा। और डिफ्यूज डिफ्यूज इस तरह से आपको जो रखना है, मैं अभी शार्प रखता हूँ, जो रखना है आप रख सकते हैं। और रहा चोक, अब देखिए जहाँ आप चोक को कम ज़्यादा करके देखिए, देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, चोक को हम जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे, ये क्या अंदर की तरफ ये आते जाएगी, ये देखिए फैदर जैसे बढ़ाएंगे फैदर अंदर की तरफ आते जाएगी। और ज़्यादा आप 100 किए तो आपकी टेस्ट की तरफ से देखिए क्रैक दिखेगी। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है इसको आप चोक के थ्रू इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। और इसको मैं ओके करूँगा तो ये टेक्स्ट ऐसा नहीं कि आपकी एम्बेड हो जाएगी, आपकी एडिटेबल रहेगी। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से कुछ बड़ी करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, क्लिक किया और एंटर मारा। आपको जो लिखना है आप जब टाइप करेंगे तो आपको इसके सामने क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। लेकिन जब आप बाहर आ जाएंगे देखिए आपको ये पूरा पूरा वैसे ही दिखेगा। इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखे। ये देखिए मैंने क्या किया, उसके अंदर एडिटेबल टेक्स्ट रखा। और देखिए आपको क्या है, जब टाइप करेंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जब टाइप करके बाहर आएंगे तो पूरा ये क्या बेसिक फैदर के साथ आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में, इमेज में, टेक्स्ट में आप बेसिक फैदर के थ्रू एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसी चीज़ को आपको मान लो करने के लिए आपको फोटोशॉप में क्या है, कुछ ज़्यादा ही डालना पड़ता है, इमेज डालनी पड़ती है, और टेक्स्ट में क्या हैवी हो जाती है। लेकिन आप इंडिजाइन में क्या है, इसके थ्रू आप इजिली क्या है बेसिक फैदर के थ्रू टेक्स्ट को, इमेज को और शेप को अट्रैक्टिव लुक देख सकते हैं। इस चीज़ को आप क्या है 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसके ऊपर कमांड होती चली जाएगी। तो आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, बेसिक फैदर कर रहा है आपको, आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा, फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।